नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास सिक्स की हिंदी। क्लास सिक्स की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग एक का चैप्टर 12 संसार एक पुस्तक है। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है संसार एक पुस्तक है, ये चैप्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अपनी पुत्री को जो पत्र लिखे गए हैं, यानी कि उनके पत्रों के जवाब में जब वो संसार के बारे में प्रश्न करती हैं, तो उसके जवाब में ही वो अपनी पुत्री को संसार के बारे में बताते हैं कि जैसे देखिए, जैसे हम अपनी बुक के पेज पलटते हैं, अपनी पुस्तक के पेज पलटते हैं, तो हमें हर एक पेज पे नई चीज मिलती है, नया कुछ जानने को मिलता है, नया कुछ समझने को मिलता है, नया कुछ पढ़ने को मिलता है। तो बिल्कुल उसी तरह संसार भी हमारे लिए है कि संसार में जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम नई चीजें देखते, जैसे जैसे हम संसार में बड़े होते जाते हैं, तो हर बार हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, हर बार हमें कुछ नया जानने को मिलता है। तो जिस तरह से एक पुस्तक हमें ज्ञान देती है, एक पुस्तक हमें हर बार नई चीजें सिखाती है, बिल्कुल उसी तरह एक ये संसार भी हर रोज हमें एक नया अनुभव देता है, एक नई चीजें सीखने को मिलती है। जैसे आप रोज स्कूल आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप स्कूल आकर कुछ नहीं सीखते हैं। अगर आपके स्कूल में भले ही अध्यापक आए हैं या नहीं आए हैं, आपने आज कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगर आपकी एक घंटे का आपका लेक्चर हुआ है या एक घंटे की आपकी क्लास चली है, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसमें कुछ नहीं सीखा। आप रोज स्कूल आते हैं और रोज कुछ नया सीखते हैं। भले ही आप चार शब्द नए सीखें, भले ही आप एक क्रियाकलाप नया सीखें, भले ही आप एक कोई भी चीज एक नई सीखे, तो इसीलिए जरूर आपको रोज विद्यालय आना है और अपने अध्यापकों से, अपने मित्रों से कुछ न कुछ नई चीजें, कुछ अच्छी बातें रोज सीखनी है। तो आज का चैप्टर भी इसी तरह हमें कुछ बहुत अच्छी अच्छी नई नई बातें सिखा रहा है। तो हम शुरू करते हैं आज के सेशन को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हमारी चैप्टर का नाम है संसार पुस्तक है और इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाचा नेहरू जी के नाम से भी प्रसिद्ध है और उन्हीं के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, वो बच्चों को बहुत अच्छा मानते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, यानी कि बच्चों के दिन के रूप में मनाया जाए। तो हर साल, हर वर्ष 14 नवंबर यानी कि 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को बच्चे चाचा नेहरू कहकर भी बुलाते थे। उन्हीं का एक पत्र जो उन्होंने अपनी बेटी के नाम लिखा, तो उन्हीं पत्रों के का उस पत्र का एक भाग यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। हम इसको शुरू करते हैं पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती हो। तो अब पिताजी अपनी पुत्री को कह रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो, देखिए बचपन क्या होता है कि बचपन में हमें सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तो बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे मन में होती हैं। अभी आप क्लास सिक्स में हैं, अभी तो काफी कुछ, क्योंकि आप स्कूल जाते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो काफी डाउट्स आपके हर रोज क्लियर होते हैं, काफी चीजें आपको हर रोज नई पता चलती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हम कुछ ना कुछ रोज नया अनुभव करते हैं, कुछ ना कुछ रोज नया सीखते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, वो भी मम्मा ये क्यों होता है, पापा ये क्यों होता है, मैम ये कैसे होता है,
तो ये सारी बातें उनके मन में आती हैं अक्सर। तो बहुत सारी जिज्ञासा छोटे बच्चों के मन में होती है। तो पंडित नेहरू जी भी यही कह रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती हो, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उनकी पुत्री है वो मसूरी में अपने छात्रावास में, अपने विद्यालय में वो पढ़ रही है, और उनके पिताजी कहाँ पर हैं? उनके पिताजी इलाहाबाद में हैं। तो वो कहते हैं कि जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ तो हम इस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, मैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूंगा, यानी कि मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें जो है इस देश की, इस दुनिया की, जो कि हमारी दुनिया में छोटे बड़े देश है, उनकी छोटी छोटी कहानियां कथा सुनाया करूंगा, यानी कि जो तुम्हारे थोड़े बहुत जो प्रश्न है दुनिया से संबंधित और देश से संबंधित, तो छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा, यानी कि तुम्हें अनुभव वो चीजें कराऊंगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, तो अब बताते हैं कि तुमने हिंदुस्तान यानी कि भारत और इंग्लैंड का कुछ हाल, कि किस तरह का हाल है भारत का और इंग्लैंड का, तुमने इतिहास में पढ़ा है, यानी कि इतिहास जो तुमने पढ़ा है हमारे देश भारत का और इंग्लैंड का, तो उसमें तुमने इन दोनों देशों के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत बड़ा देश होने के बावजूद भी हिंदुस्तान क्या है? दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इनमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो नेहरू जी कहते हैं कि अगर तुम्हें एक देश के बारे में जानना है, अगर तुम्हें दुनिया को जानने का शौक है, अगर तुम्हें दुनिया को समझने का शौक है, तो तुम्हें सब देशों, क्योंकि अगर दुनिया के बारे में जानना है तो प्रत्येक देश को जानना पड़ेगा कि कितने हमारी दुनिया में, हमारी पृथ्वी में कितने देश हैं, कितने जातियां हैं और क्या क्या चीजें हैं, तो इसी प्रकार आप पूरी दुनिया को जान पाएंगे। तो कहते हैं कि तुम्हें ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी और केवल उस छोटे से देश को जानने से नहीं होगा कि जिसमें तुम पैदा हुई हो, केवल उसको जानने से नहीं होगा, तुम्हें बहुत सारी और चीजें भी जाननी पड़ेंगी। अगर तुम्हें पूरे विश्व के बारे में जानना है तो बहुत सारे देशों के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें बतला सकता हूँ। तो वो उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि केवल किताबी ज्ञान से ही हमें सब कुछ हासिल नहीं होता, हमें हमेशा अवेयर रहना होता है, हमेशा जागरूक रहना पड़ता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे बाहर के देशों में क्या हो रहा है। तो अभी आप बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, अभी आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो स्कूल आने से पहले आप सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस देख सकते हैं, आप शाम को अपने पिताजी के साथ बैठकर थोड़ी देर न्यूज देख सकते हैं, या आप जो पुस्तकें, अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स हैं, जीके बुक्स हैं या करंट अफेयर्स की पुस्तकें हैं, तो आप वो थोड़ा थोड़ा आप रोजाना डेली पढ़ सकते हैं, ताकि आप अवेयर रहें सारी चीजों से कि क्या हमारे आसपास हो रहा है, क्या हमारे समाज में चल रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, या बाहर के जो देश हैं वो किस तरह का व्यवहार हमारे देश के साथ कर रहे हैं, या किस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, या और भी सामाजिक जो मुद्दे हैं उनके बारे में जानना। तो इसीलिए, क्योंकि उनकी जो बेटी है वो अभी अपने विद्यालय में है, वो पढ़ रही है, तो वो कहते हैं कि आपको केवल ये सारी चीजें, अगर आपको
अपने देश के बारे में जानना है, अगर आपको दुनिया के बारे में जानना है, तो केवल इतना पढ़ने से नहीं होगा, आपको पूरे विश्व के जितने देश हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा, पूरे विश्व के जितनी जातियां हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि तुम ये सारी चीजें एक साथ पढ़ लो या एक साथ समझ लो, ऐसा है कि आप थोड़ा थोड़ा करके ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। तो मैं छोटे छोटे खतों में तुम्हें ये सारी बातें बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तुम दूर हो और मैं एक साथ तुम्हें ये सारी चीजें नहीं पढ़ा सकता, नहीं समझा सकता, लेकिन छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे खतों में मैं तुम्हें ये सारी बातें बता सकता हूँ। तो इस तरह उनके पिताजी उनसे कह रहे हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा जी से कह रहे हैं। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं वे हमारे भाई बहन हैं। तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। तो अभी नेहरू जी कहते हैं कि अभी फिलहाल क्योंकि तुम छोटी हो, लेकिन छोटी होने का मतलब ये नहीं है कि तुमको कोई चीज पता ना हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक दुनिया है, यानी कि हम सारे जो मनुष्य हैं वो एक जैसे हैं। बिल्कुल, हमें भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है और जो हमारे आसपास लोग हैं वो सब हमारे भाई बहन ही हैं, यानी कि सब हमारे जैसे ही लोग हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, किसी भी देश के हों, चाहे उनकी वेशभूषा अलग हो, चाहे उनकी भाषा अलग हो, चाहे उनका रहन-सहन अलग हो, लेकिन वो हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे ही भाई बहन हैं। और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो उसके बाद तुम दुनिया के लोगों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, मोटी मोटी किताबें तुम पढ़ोगी, बहुत सारा ज्ञान तुम्हें तुम प्राप्त कर पाओगी इस संसार के बारे में, इस एक जगत के बारे में, इन विभिन्न देशों के बारे में। फिर क्या यहाँ पर कहते हैं कि उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में न मिला होगा। तो वो कहते हैं, नेहरू जी कहते हैं कि तुम्हें दूसरे देशों के बारे में, वहां की जातियों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वहां के रहन-सहन के बारे में या वहां के वातावरण के बारे में जितना पढ़ के तुम्हें आनंद आएगा, जितना पढ़ के तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, उतना शायद तुमने बचपन की किसी कहानी या उपन्यास में नहीं तुम्हें वो आनंद आया होगा, बड़े होके जब तुम इतनी सारी किताबें पढ़ोगी। तो इसीलिए अभी से मैं छोटी छोटी बातों के, छोटे छोटे खतों के रूप में तुम्हें बहुत सारे देशों की, बहुत सारे जातियों के बारे में बताऊंगा। आगे कहते हैं कि यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, है ना? सभी जानते हैं ना कि हमारी धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड, जी आई सी थथ्योन, वेरी गुड। सभी जानते हैं कि जो हमारी धरती है वो बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई भी आदमी नहीं था। आपने पृथ्वी पर जैसे आदि मानव आए, वो सारा हिस्ट्री आपने अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तिका में पढ़ी होगी और उससे पहले भी आपने थोड़ा बहुत ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो किस तरह से हमारी जो पृथ्वी बनी और किस तरह से उसमें आदि मानव आए, तो ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि तुम जानती हो कि जो हमारी धरती है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इस धरती पर कोई भी आदमी नहीं था। यानी कि जब क्या हुआ कि ये जो हमारी धरती थी ये सूरज के उस धधकते हुए आग के गोले का एक टुकड़ा हुआ करती थी। तो जब वो आग का धधकता हुआ गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ, धीरे धीरे वो नॉर्मल टेम्परेचर में आने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी से, उस धधकती हुई गर्मी से वाष्प बनने लगी। और जब वाष्प बनी तो लाखों करोड़ों वर्षों तक यहाँ पर लगातार वर्षा होती गई और उस वर्षा से यहाँ का टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, धीरे धीरे गिरने लगा। यानी कि जो धधकता हुआ गोला था वो अब एक नॉर्मल टेम्परेचर में आने लगा। और फिर क्या हुआ कि उसी से
बहुत सारे केमिकल्स निकले, बहुत सारी चीजें बनी उसी से, मिट्टी का निर्माण हुआ उसी से, बहुत सारी चीजें हमारी पृथ्वी पर बनी और पहाड़ बने, और इसी तरह से एक पृथ्वी का निर्माण ऐसे धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्षों तक चलता रहा, और उसके बाद भी अरबों वर्षों तक उसमें कोई भी मनुष्य नहीं था, यानी कि क्योंकि ऐसा वातावरण था ही नहीं कि कोई मनुष्य, कोई प्राणी उस पर सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। तो जब एक नॉर्मल किसी भी, कोई भी प्राणी हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी इंसान हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सबके लिए एक उनको प्रतिकूल वातावरण, उनको अनुकूल वातावरण चाहिए जिसमें वो सरवाइव कर सके, यानी कि जिंदा रह सके। देखिए, पेड़ पौधों को भी अपना एक अनुकूल टेम्परेचर चाहिए कि वो वहां पर, आपने देखा होगा कि वातावरण के अनुसार ही पेड़ पौधे भी होते हैं, जहां जैसे 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 पहाड़ी इलाका होगा वहां पर और अलग तरह के पेड़ पौधे होंगे, मैदानी इलाका जो होता है वहां पे और अलग तरह के पेड़ पौधे होंगे, और लोगों में भी काफी अंतर हो जाता है। आप देखते होंगे कि पहाड़ी जो लोग होते हैं वो कुछ अलग तरह के, थोड़ा सा उनका, उनकी बनावट होती है या देखने, और आप एनिमल्स में भी देखिए, जो ठंडी ठंडी जगहों पर रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो थोड़ा अलग तरह के होते हैं, और गर्म जगहों पर रहने वाले जीव जंतु थोड़ा सा अलग तरह के होते हैं। तो यही सारी चीजें हुई कि उस समय ऐसा माहौल नहीं बन पाया कि लोग यहाँ पर प्राणी जो है, जीव जो है बन सके। तो लाखों करोड़ों वर्षों तक यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था, और जो आदमी भी पहले हुए तो वो सिर्फ जानवर थे, यानी कि शुरुआत में एकदम से कोई मनुष्य नहीं बना, या एकदम से ऐसा कोई हमारे जैसा, क्योंकि मनुष्य को इस धरती का, इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है, तो एकदम से ऐसा कोई आदमी भी यहाँ पर नहीं आया। शुरुआत में जो था वो जानवर ही थे, यानी कि, और फिर जानवरों के पहले एक जानवरों से पहले एक ऐसा समय था कि धरती पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी। जानदार चीज यानी कि सजीव, लिविंग थिंग्स कोई भी नहीं था। सारी चीजें थी लेकिन वो नॉन लिविंग थी। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो खाना खाती हो, जो सांस लेती हो, जो ग्रो करती हो, जो चलती हो, यानी कि जिसमें मोशन हो, जो वृद्धि करती हो, ऐसी कोई चीज इस धरती पर नहीं थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, तो उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। तो जब आज के टाइम में हम उस समय को सोचें, तो एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या सच में ऐसा था? उस पे विश्वास करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि क्या आज की जो, आज का जो हमारा संसार इतना ज्यादा डेवलप है, हमारी पृथ्वी जो इतना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इसने अपने आप को अनुकूल, इसकी परिस्थितियां हो गई हैं, सारी चीजें समय समय पर होती है, हर ऋतु जो है अपने एक टाइम बाद आती है, तो सारी चीजें एक नियम से यहाँ पर चलती हैं, तो उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि बहुत करोड़ों वर्ष पहले यहाँ पर ऐसा भी होगा। तो आज जब पूरी दुनिया जानवरों से, आदमियों से भरी हुई है, तो हम उस जमाने का ख्याल करते हैं तो ये भी मुश्किल हो जाता है जब यहाँ कुछ भी नहीं था उस समय का। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस समय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। तो देखिए, हम हमारे लिए तो ये ख्याल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि यहाँ पर कोई नहीं होगा। तो सोचिए कैसा यहाँ का वातावरण होगा कि पूरी धरती पर, पूरे संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी सजीव चीज नहीं है। लेकिन जो विज्ञान को जानने वाले लोग हैं, यानी कि जिनके अंदर जिज्ञासा है, जो खोजने वाले लोग हैं, जो खोजी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो विद्वान हैं, जो पढ़ते हैं पुरानी चीजों के बारे में, जो इंटरेस्ट रखते हैं पुरानी चीजों को जानने में, पुरानी चीजों को समझने में, तो उन्होंने इस विषय को खूब सोचा, यानी कि इस विषय पे उन्होंने खूब सोचा, खूब समझा, यानी कि उसको उसको बहुत इंटरेस्ट लेके उन्होंने उस पर रिसर्च की। क्या सच में ऐसा था? क्यों था? कैसे था? क्या हुआ होगा? तो वो सारी चीजें सोच सोच कर ही उन लोगों ने पता लगाया कि ये जो धरती थी बहुत गर्म थी, इस पर कोई भी जानदार चीज
नहीं रह सकती थी, यानी कि टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती। आजकल भी देखिए, हम तो हमें तो इतनी जो अभी गर्मियों की जो गर्मी होती है उसी पे जब टेम्परेचर केवल 40 होता है तब भी हमें इतनी गर्मी लगती है कि हम एसी ऑन कर लेते हैं। तो सोचिए उस समय कैसा वातावरण रहा होगा, तो कैसे वहां पर मनुष्य या कोई सजीव चीज सरवाइव कर पाएगी, जिंदा रह पाएगी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तो अगर हम इन चीजों में इंटरेस्ट लें, उन लोगों की जो लिखी गई पुस्तक है, यानी कि हमारी जो रिसर्च की गई जो उनकी पुस्तकें हैं जिसमें उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं, तो अगर हम उन पुस्तकों को पढ़ें तो हमें और उस समय के जो जानवर हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं, जो अब समाप्त हो चुके हैं, उनके बारे में अगर हम जानें, उनकी हड्डियों को जो म्यूजियम्स में रखी रहती हैं चीजें, पुरानी चीजें, उनको अगर हम देखें गौर से तो हमें खुद मालूम हो जाएगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। यानी कि एक समय ऐसा जरूर होगा कि जिस समय पर कोई भी व्यक्ति बहुत टाइम तक यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाया होगा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा जी को कह रहे हैं कि तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता। तो अब नेहरू जी कहते हैं कि तुम ये सारी बातें किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन उस समय को कैसे पढ़ोगी जब इंसान ही नहीं हुए थे, यानी कि किताब लिखने वाले लोग ही नहीं हुए थे, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में भी आती होंगी, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं, तो जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती है, ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसे कैसे हुआ होगा, या ये कैसे बना होगा। तो इस टाइम पे उनके दिमाग में भी यही बातें आ रही हैं कि तब अगर मैं इतिहास में ये सारी चीजें पढ़ूं तो ये कैसे पढ़ूं, इसको किसने लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, ये बातें मुझे कैसे मालूम होंगी। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात को सोच निकालेंगे, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि हम केवल सोच के ही सारी बातें बना लें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। अगर ऐसा होता कि सारे लोग अपने दिमाग से चीजें सोचते और उन्हें लिख देते तो सारी जो दुनिया है वो एक कहानीकार होती, एक राइटर होती, एक कवि होती। यानी कि जैसे जैसे हमारे दिमाग में चीजें आ रही, चीजें देखिए सबके दिमाग में आती है, सब सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस पर अपनी सोची हुई चीज पर रिसर्च करते हैं, अपनी सोची हुई चीज को पर सच में खोज करते हैं कि हाँ मैंने ये सोचा है तो क्या ये सच में है, मैं इस पर रिसर्च करूं और बाद में उसको मैं लिखूं, सारी चीजों को एक किताब के रूप में लिखूं, ताकि ये जो मेरा अनुभव है, ये जो मेरे द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान है, ये लोगों को मिल पाए, लोग इसको पढ़ पाएं, लोग इसको समझ पाएं। तो ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता, यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि अगर ऐसा होता, देखिए कितने मजे की बात है कि अगर ऐसा होता कि हम सारी चीजें जो जो चाहते वो सोच लेते और फिर हम उससे क्या करते, बहुत सुंदर सुंदर परियों की कहानी गढ़ते, या जो चीजें हमें आती समझ में आती वो सारी चीजें हम लिख लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। और हाँ, अगर हम कहानी लिख रहे हैं तो हम आपकी छोटी छोटी जो बच्चों की जो कहानियां हैं उसे इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन जो हमने कभी देखा ही नहीं, जो कभी सोचा ही नहीं, जो कभी सुना ही नहीं, तो उस पर हम कहानी अगर लिखेंगे तो वो कहानी कैसे ठीक हो सकती है, वो बात कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी बातें मालूम होती है जितनी कि किसी किताब से होती है। देखिए उस समय पर ना तो कोई किताब थी जिसने हमें ये बताया कि हमारी धरती गर्म थी या ऐसी चीज हुई थी या ऐसी चीज हुई थी,
तो फिर भी हमने बिना किताब के इतना सारा ज्ञान जो है प्राप्त कर लिया जितना कि किसी किताब से हमें मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें किससे प्राप्त हुई? ये सारी चीजें हमें अपनी जो पुरानी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उन पर रिसर्च करने से हमें पता चली। यानी कि अगर हमें कोई जानवर की पुरानी हड्डियां मिली या जो पहाड़ मिले, समुद्र मिले, नदियां मिली, तो उनसे हमने क्या किया, उन पर हमने रिसर्च किया, उनके बारे में हमने खोज की, तो उससे हमें ये सारी चीजें पता चली। ये पहाड़, ये समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हमें दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। देखिए, अब हम मेन पॉइंट पर आ गए हैं कि जैसे कि नेहरू जी ने यहाँ पर बताया, संसार एक पुस्तक है। तो आप हमेशा, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप दूसरों की लिखी हुई बातों को पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाएं। आपको अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं, अगर आप सचमुच एक विद्यार्थी हैं, आप विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको संसार रूपी पुस्तक को भी पढ़ना होगा। क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें तो इंसान अपने अनुभवों से सीखता है और अनुभव उसको इस संसार में रहकर, इस संसार में एक्सपेरिमेंट करके, इस संसार में कोई क्रियाकलाप करके या इस संसार के बारे में खोज करके, रिसर्च करके ही प्राप्त होगा। तो बच्चों, अभी तक जितना हमने चैप्टर पढ़ा, आपको इंटरेस्ट आया? आप सभी को हैंड रेज कीजिए एक बार। कैसा लगा आपको चैप्टर? इंटरेस्ट आ रहा है चैप्टर को पढ़ने में? यस, वेरी गुड। क्योंकि देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा नई चीजें हमें इसमें पता चल रही हैं कि हमें हमेशा अपनी किताबी ज्ञान पर ही ध्यान नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी बुक पढ़ ली और आप बहुत ज्यादा पढ़ाकू बन गए, आपको बहुत सारी चीजें आ गई। आपको संसार रूपी पुस्तक को भी पढ़ना है, आपको देखना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको जानना है कि ये चीजें कैसे घटित हो रही है या ये चीजें कैसे हुई संसार में। तो ये सारी चीजें आपको जाननी है, समझनी है, और इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है ये हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और मिलेंगे अपने नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।